अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज ये ब्रोस आज का व्लॉग जो है ना काइंड ऑफ थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। हर बार की तरह एक और नई चीज लेके आया हूँ, एक नया आइडिया लेके आया हूँ। वो ये है कि हम इवेंट, अब इवेंट का मतलब है कि हम सब कैसे मिले, हम सबका एक दूसरे के, यार आपको कुछ कर दो एक मिनट, ये बिलियों वाली बातें क्या निकाल रही हो आप। हम सब कैसे मिले, हम सबका आपस में क्या एक्सपीरियंस था और फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, अब लाइफ कैसे गुजर रही है, अब के बारे में क्या इंप्रेशन है, और ये सारी चीज़ें जो है ना आज के व्लॉग में होने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका जो है ना व्लॉग शुरू करते हैं और अपनी पहली दोस्त की गायें आ रही है भागती हुई, देखना हम ही ना घुस दे। अब गायें आ रही है भागती हुई, इधर आओ, मुंह इधर करो, मुंह इधर मोड़ो। हेलो हेलो भाई, हेलो, हमें ही ना घुस जाए आगे। नहीं, ये वो 0.5 एक्स पे। अच्छा तुम बताओ, हाउ वी एक्चुअली मेट? ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्यों मिले थे आप? क्यों मिले थे? मेरी बदनसीबी। अरे नहीं, जब हम लोग मिले थे तो तुम्हारा मेरे बारे में फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? फर्स्ट इंप्रेशन डे वन से जब ग्रुप फॉर्म हुआ था तो फर्स्ट इंप्रेशन Impression जो था वो बेसिकली वो ये था कि मतलब he's quite friendly और you know sensitive towards making friends and all। अच्छा, ये तो आपने कर दी बकवास। और तुम काफी उस चीज़ पे उतर गई हो। ये आपने कर दी है बकवास। अब आप मुझे सही चीज बताएं कि जब अच्छा बाकी छोड़ो, तुम ये बताओ कि जो पहला दिन था, बिल्कुल पहला दिन था, उसके अंदर क्या इंप्रेशन था? पहले दिन में क्या इंप्रेशन था? बिल्कुल पहले दिन, पहले दिन मुझे याद भी नहीं है, ओरिएंटेशन मुझे याद नहीं है, मैंने कब पहली शक्ल देखी, कब मिले। अच्छा जी, अगला बच्चा जो है ना वो हमारे पास जन्नत तलत है। इधर से आपका फेस एंगल थोड़ा बेहतर आ रहा हो यार, आप तो बगला बन गई हो, सब्र करो। ये बताओ भाई, आप पीछे किधर जा रही हो? आगे आओ यार, ये फ्रेंड आ गए हैं, वो कह रहे हैं गायब हो जाओ यार। सिर्फ 2 मिनट हम व्लॉग बना रहे हैं अपना और कुछ भी नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि जब हम लोग मिले थे तो आपका मेरे बारे में फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? जो मिले थे मुझे इतना नहीं याद, मगर ना मैंने आपको फर्स्ट दफा जब दिल्ली देखा था ना, फुल कॉन्फिडेंस में क्लास के सामने आके आप और हम न्यूज पढ़ के बता रहे थे आपके क्लास में, मैम सारा सा की क्लास। हां हां हां, फिर ठीक है, वहां पे आप बता रहे थे न्यूज पढ़ के, तो मतलब फुल कॉन्फिडेंस में, कहा भाई ना मतलब पढ़ा लिखा मतलब कॉन्फिडेंस में बंदा लग रहा है, हर कुछ आता है ऐसे, मतलब कितने कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, और न्यू स्टाइल बताने का कितना अच्छा है। ये मेरा फर्स्ट, अब आपका क्या इंप्रेशन? आपका इंप्रेशन आपको मैं, मुझे ब्रदरिंग फीलिंग आती है। हां हां हां, ठीक है ना, मतलब हर बात शेयर करती, मतलब जो कुछ कहना आपको कह रहे थे। ये वाला एंगल अच्छा आता है ना, आपने बताया था कि हाउ वी मेट। यार पहले इंप्रेशन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब डे वन था, कलेक्शन हुए थे सीआर के, डे वन पे या डे टू पे आई थी, तो तब तुम आके एज अ कंटेस्टेंट खड़े हुए थे। तो उसके बाद फिर जो दूसरा इंप्रेशन था, जो एक्चुअली इंप्रेशन पड़ा था, वो था अहमद के जरिए। अहमद आया था और उसने मुझे बताया था, यार एक कमाल का पत्ता मिला यार, वो रैप भी करता है यार, वो नकाना से आया, इस तरह उसने बड़ी कहानियाँ बताई और मैं बड़ा एक्साइटेड था मिलने के लिए, यार शाज़ीब है कौन, मिली तो सही, क्या किस तरह की नेचर है। तो फिर जैसे ही मिला तो उसके फिर कुछ दिन बाद हमारा मैं ग्रुप बन गया, फिर जैसे ही मिला तो सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। नहीं अभी तक एक्साइटमेंट है, थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट है यार, एनर्जेटिक बंदा है, एनर्जेटिक बंदों के साथ वाइब अच्छी मैच कर जाती है। अच्छा अब हमारे साथ मौजूद है जी एहतशाम, तुमने ये बताना है कि हाउ वी एक्चुअली मेट, हमारा एक्सपीरियंस क्या था, और हाउ वी मेट को छोड़ो, जो एक्सपीरियंस की बात है ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ऐसा एक्सपीरियंस यार वो छोड़, बकवास भी ना करो, बकवास नहीं करो, जितना एक्सपीरियंस का था यही करने वाला यार। हाउ वी मेट ब्रदर, खाने लगो यार, डे वन का एक्सपीरियंस, डे वन के कारण ना मैं वहां पे ना गरीबों की मदद कर रहा था, तो एक बारी बारी ना मतलब 5-6 लोग गुजरे, उसके बाद ये आया, तो रमजान था मेरे ख्याल से, तो आया तो आ रहे थे यतीमों मस्कीनों वाला मुंह बनाया गया भाई, डेढ़ घंटे जाए ना एक यार बकवास कर रहा है, गाय भागी, गाय जा रही है भागी। व्हाई आर यू रनिंग? व्हाई आर यू रनिंग? पहला एक्सपीरियंस क्या था इतना क्लोजनेस नहीं थी, तो रिजर्व थे एक दूसरे से, और लेकिन ऐसा ऐसे जैसे बात की, एक दूसरे से मिले और इकट्ठे बाहर गए, घूमे फिरे, तो उससे आइडिया हुआ कि हम सबकी वाइफ काफी मैच करती है,
अच्छा मेरा यान के साथ पहला एक्सपीरियंस ये था कि इसने ना मेरे से मिड टर्म का एग्जाम जो है ना बहुत ही कॉल की थी और मेरे दिन में यही आ रहा था कि यार ये कोई ना काफ़ी मतलब मीन बंदा है काफ़ी ये है कि सिर्फ मतलब से मतलब से काम से काम रखने वाला बंदा है और अभी मतलब निकाल के साइड पे हो जाएगा बट उसके बाद ये था कि वो चीज़ बिल्कुल सही साबित हुई. It was at this moment that he knew he fucked up. First impression आपका ये था. हाँ वो जिन्नत ने जो आपको बताया कि आप जब क्लास में वो पढ़ रहे थे न्यूज़ तो आपकी अच्छी खासी तारीफ हुई थी और फिर आपने मिमिक्री की थी किसी क्लास में. क्लास में तो नहीं की थी, पता नहीं कहाँ की थी या बाहर बैठ के की थी. कैफे में, सी कैफे में, सी कैफे में भी नहीं की थी. मैं आपको बताता हूँ मैंने मिमिक्री किधर की थी. मैंने ऑडिटोरियम के अंदर खड़े होकर की थी. हाँ मैं परफॉर्म करने गया था, पता नहीं प्लेक्ट्रा का पता नहीं कहाँ पर गया हुआ. नहीं हम वैसे गए थे देखने, हम वैसे कुछ देखने गए थे. उसके बाद हम लोगों ने जो है वो मैंने जो है वो उसके बाद परफॉर्मेंस की थी और उसके बाद मैंने मिमिक्री की थी अगर आपको याद हो तो. और एक दफा आप रो भी पड़े थे, आपने मेरी असाइनमेंट में गलती मेरी से हुई थी, रो आप पड़े थे मैम सारे की चाहिए असाइनमेंट में. हाउ सेंसिटिव.